नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार भैया, मैं तो आज एक अच्छे श्रोता की तरह सारी चीजें सुनी है। कल आप चले गए थे। आखिरी वाले व्यक्ति के लिए काफी संकट होता है, लेकिन फिर भी बहुत संक्षेप में जो क्षेत्र की बात है वो तो मैं आपको लिख के भेजूंगा, और कुछ मेरी अपनी कुछ प्रश्न है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया कि सभी लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। शासन को चलाने के लिए एक उक्ति है कबीरदास जी की, निंदक नियर राखिए, अच्छा मैनेजमेंट करें, अच्छा शासन चलाएं। सब तारीफ करें तो कैसे काम चलेगा, मैं निंदा करूं। मुझे लगा दो तीन चीजों की मेरी आपत्ति भी है, और आप जैसे व्यक्ति को निंदा करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मैं उस तरीके की निंदा की बात नहीं कर रहा, मैं स्वस्थ लोकतंत्र में प्रतिपक्ष ने कुछ चीजें जो सामने दिखती हैं उसमें यदि ठीक समय पर वो बात की जाए तो उसका एक असर होता है, और आपको भी उसके डिस्पोजल के लिए, समाधान के लिए एक दिशा मिलती है। शुरुआत में 27 मार्च को मैं और माननीय कटारिया जी आपसे मिले थे, और 15 ऐसी कुछ चीजें लिख के दी थी। इसी तरीके से फिर 2 अप्रैल को मैं चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक से मिले थे, तीसरा फिर राज्यपाल महोदय से बात करी, उनको 21 बातें लिखी, और वो राज्यपाल महोदय ने आपको प्रेषित की थी। मैं बहुत विस्तार से तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आज 49वें दिन मिल रहे हैं हम लोग। अभी सब लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन ये 49 डेज हैं, यदि लगभग कोरोना के उत्तर काल में हम लोग मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले मिलते हैं तो शायद और बेहतर कर सकते थे। जो चर्चाएं सुनी उसमें भामाशाह CSR का पैसा और MLA लैड, 3 फंड्स ने आपको इस पूरे 49 दिन के कार्यकाल में काफी मदद करी है, लेकिन मैं सुन के विस्मित था कि दुनिया के देशों ने, WHO ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 130 करोड़ के देश को और मात्र 70,000 केस होना और कुछ लिमिटेड सी डेथ्स होना, और उसके बाद भी आपकी पार्टी के लोग प्रधानमंत्री पर प्रश्न उठाते हैं, मुझे लगता है वो गरिमा के अनुकूल नहीं है। यहाँ जब चर्चा होती है इसी तरीके के इन्वेस्टमेंट की, तो नेता प्रतिपक्ष ने आपसे सवाल पूछा था, आप भी अक्सर मांग करते हैं लोकतंत्र में करनी चाहिए, लेकिन यूं लगता है कि सारा काम एक पक्ष हो रहा है, देश ठीक नहीं चलेगा तो प्रदेश कैसे ठीक चलेगा, ये बात समझ से परे है। और इस समय हम लोगों ने बड़े उदार मन से, बहुत अच्छी समझ के साथ आपका सहयोग करने की कोशिश की, लेकिन कालांतर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के प्रति आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, नंबर 1 उस पर मुझे आपत्ति है। दूसरा, ये जो तुष्टिकरण और राशन के भेदभाव की शिकायतें थी, अब इसकी सच्चाई क्या है, पर मुझे लगता है कि एक अच्छे राजा की तरह आपको उसकी समीक्षा निश्चित रूप से करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके की बात हमारे प्रदेश में नहीं हो। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि हमने केंद्र की एडवाइजरी का पालन किया, केंद्र का पालन किया, लेकिन जिन बातों पर मुझे आपत्ति है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इससे ब्यूरोक्रेसी में भी संदेश गलत जाता है, राजस्थान के जनता का मनोबल टूटता है। जैसे आरोग्य सेतु है, मेरे से पहले किसी सांसद महोदय ने आपको अवगत कराया, इस प्रकार के कन्फ्लिक्ट की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जब पीएम केयर की बात आई थी तो मेरी पार्टी के हमारे सब विधायकों ने सबसे पहले सीएम रिलीफ में पैसा दिया था, और ये कहा था कि एथिक्स और परंपरा के हिसाब से कि अपने को प्रदेश में सबसे पहले मुख्यमंत्री के कोष में पैसा देना चाहिए। आप तारीख देख लीजिएगा, मेरी पार्टी के, मेरे दल के विधायकों ने सबसे पहले मुख्यमंत्री कोष में पैसा दिया, उसके बाद पीएम केयर में दिया। यहां पर ये लाइन खींच दी कि राज COVID-19 को डाउनलोड करो और आरोग्य सेतु को डिलीट करो। आपको ध्यान होना चाहिए कि अभी आरोग्य सेतु ऐप दुनिया का ऐसा ऐप बन गया जिसको 10 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है, और 650 ऐसे हॉटस्पॉट में से 300 हॉटस्पॉट को चिन्हित किया था उस इसी आरोग्य सेतु ऐप ने, और आने वाले समय में एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनने वाला है। इसलिए मैं सोच रहा हूं
कि कम से कम इस तरीके की बात प्रदेश में इस वैश्विक महामारी के समय तो नहीं हो। आपको मुझे पता नहीं ध्यान है कि नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा 6 जिलों में मुकदमे दर्ज हुए और कम से कम 15 जिलों में पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सोशल मीडिया के साधारण पोस्ट को लेकर भी मुकदमे हुए। मोदी जी के खिलाफ जो लिखा गया उन पर एक्शन नहीं हुआ, आप इसका फिगर निकाल लीजिए, लेकिन दूसरे तरीके से कोई पोस्ट हुई होगी तो हमारे अपने कार्यकर्ताओं पर, इसके मैं आंकड़े आपके पास भिजवा दूंगा, इसको आप देखिए। मुझे लगता है कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी महामारी के दौरान इस तरीके की राजनीति की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो चीजें आपने की, बहुत सारी चर्चाएं हो गई, मैं कुछ सजेशन आपके सामने जरूर रखना चाह रहा हूं। प्रवासी मजदूर, ये मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत लोगों ने कहा कि ये लायबिलिटी के साथ साथ एक एसेट भी बन सकती है। इन लोगों को किसी हेल्पलाइन के जरिए, ऐप के जरिए, ये स्किल्ड लोग होंगे और इनको किसी न किसी जगह इंगेज करके इनकी मैन पावर को हम लोग काम ले सकते हैं। आपने एमएसएमई का जिक्र किया, 4.5 लाख एमएसएमई राजस्थान में है, ये रोजगार का बड़ा जरिया हो सकती है। खेती, पशुपालन और इससे जुड़े हुए जो धंधे हैं, दूध, इन सब को हम लोग ठीक तरीके से, इससे जुड़े हुए धंधों को यदि पनपाएंगे तो अच्छा होगा। पर्यटन राजस्थान का एक ऐसा सोर्स है रेवेन्यू का, जिस आधार पर हम लोग पर्यटन को एक उद्योग को आगे पनपाने के हिसाब से इसमें कोई ना कोई तरीका देख सकते हैं, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी मार इस पर पड़ेगी। और मैं खुद बुक हो गई हूँ कि मेरे आमेर के क्षेत्र के तमाम टूरिस्ट गाइड और जितने लोग जुड़े हुए हैं उनकी रोजी रोटी का संकट आया है। आने वाले समय में इम्यूनिटी बूस्टर ये एक बड़ा सेक्टर होगा। हमारे आयुर्वेद की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि आयुर्वेद को प्रमोशन के लिए मुझे लगता है कि आपकी सरकार को और कुछ इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। आने वाले समय में हर्बल पार्क, हर्बल इंडस्ट्री, ये बड़ा कारक हो सकती है, राजस्थान उसका हब बन सकता है, आप यदि इसकी कोशिश करेंगे। इन दिनों बहुत सारे मुद्दे चर्चा में है, किसानों की यहाँ बात हुई, उसकी खरीद से लेके, टोल से लेके, बारदाने से लेके, इतनी सारी चीजों की एक साथ समस्या है। मुझे लगता है कि इनके बारे में आपको एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं कोरोना के मैनेजमेंट के साथ एक पैरेलल डिसीजन की जरूरत है। आप यदि सोशल मीडिया की वॉल यदि कोई देखेगा तो वो पूरी वॉल भरी रहती है सब नेताओं की, कम से कम 2 दर्जन ऐसे सेगमेंट है जिसमें बेरोजगार अलग अलग तरीके की भाषा में वहां अपनी बात लिखते हैं। मुझे लगता है कि उसकी समीक्षा आप जरूर करें और उन बेरोजगारों को आप एश्योर जरूर करें कि किस एक्सटेंट तक आप उनकी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, सांख्यिकी के हैं, कृषि के हैं, एलडीसी हैं, इस तरीके के तमाम लोग हैं। मुझे लगता है कि ये एक मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि इन सारी कवायद के बीच में अपराध कम हुए हैं, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से कम हुए हैं, और जो हुए हैं वो संगीन हुए हैं। उन संगीन अपराधों के होने से ये पता लगता है कि इस आड़ में अपराधियों के हौसले, इस तरीके के जो मानसिकता के अपराधी हैं, लेकिन उनकी कमर तोड़ने के लिए अभी जो मालपुरा की घटना हुई, गैंगरेप हुआ, और वहां जिस तरीके से उन अपराधियों को फास्ट ट्रैक में प्रोसेस होकर उनको सजा मिलनी चाहिए थी, आपकी तरफ से गृह मंत्री के नाते इनिशिएटिव होना चाहिए था, ये मैसेज जाता पूरे देश में। ये सेंदरी में इसी तरीके से घटना हुई, सवाई माधोपुर में ऐसी अनेकों घटना हुई, छांड में हुई, तो जो इस तरीके के क्राइम हुए हैं जो महिलाओं के प्रति हुए हैं, आपकी सरकार संवेदनशील है तो कम से कम आप तो गृह मंत्री के नाते इनिशिएटिव लेती, उन लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जिस विद्वेश की बात कर रहा हूँ, हमारे 2 MLA के खिलाफ आपने यहाँ मुकदमे दर्ज हुए आपके यहाँ, अभी वो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारे सांसद और विधायक मालिका के घटना के लिए बात कर रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो कम से कम मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके से लोकतंत्र में कुछ आवाज दबाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि इन बातों को आप अन्यथा नहीं लेके सकारात्मक तरीके से कोरोना के मैनेजमेंट के साथ साथ कम से कम प्रदेश के किसानों की, बेरोजगारों की, इस तरीके के अपराध के नियंत्रण की बात को जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। और कोई हम लोग अदरवाइज लेते नहीं है, पर ये बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आपके जो फीडबैक मिला आपको वो तथ्यों के विपरीत है, कृपा करके आप तथ्यों को पहले करेक्ट कर लें, फिर अपन बात करेंगे। शुक्रिया आपका।